दोस्तों आज चैनलिंग का एक प्राइस प्रिडिक्शन निकल के आया है जिसमें बताया जा रहा है कि चैनलिंग इस साल के आखिरी तक $100 तक पहुंच सकता है और अभी इसका प्राइस चल रहा है $29। तो अभी आपके पास मौका है, आप इसमें इन्वेस्ट करके इस साल के आखिरी तक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और जो लोगों ने पहले से चैनलिंग में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है वो होल्ड करके रखिए और मेरे को आप कमेंट करके बता दीजिए कि आपने कितने प्राइस में खरीद के रखा हुआ है और आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं या फिर लॉस में चल रहे हैं। तो हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों मैं हूं नीरज और आप समय हमारे क्रिप्टो न्यूज का। दोस्तों कल था संडे और आज है मंडे, हम दोनों दिन का न्यूज कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए जल्दी से शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपको मेरे से कुछ पूछना हो, पर्सनली बात करना हो, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और अगर आपने मेरे को अभी तक टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर भी मैं आपको अपडेट वगैरह देते रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कल ऑस्ट्रेलिया में एक सर्वे किया गया और उस सर्वे के दौरान पता चला कि ऑस्ट्रेलिया की जो जनता है उसमें से 4 मिलियन से भी ज्यादा जनता चाहती है कि उनकी सैलरी उन्हें बिटकॉइन में मिले। और दोस्तों फाइंडर ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट ऐसी कंपनी है जो कि तैयार है अपने एम्प्लॉयज को बिटकॉइन में पेमेंट देने के लिए। और दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि हमें क्रिप्टो करेंसी से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर इतनी दिक्कत क्यों है? आप लोग जानते हैं कि अभी हमारे यहाँ काफी ज्यादा पंगा चल रहा है, खासकर डिपॉजिट को लेकर। HDFC बैंक अपने कस्टमर्स को नोटिस भेज रहा है और हाल ही में अभी पता चला कि SBI भी अपने कस्टमर्स को नोटिस भेज रहा है। जब बाहर में इतनी दिक्कत नहीं है तो हमारे यहाँ पर इतनी दिक्कत क्यों है? आप पता नहीं क्यों है। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जून का महीना बिटकॉइन के लिए काफी अच्छा होने वाला है और उसकी शुरुआत आज से हो गई है। दोस्तों आज खबर आई है कि वेल्स ने $2.85 बिलियन का बिटकॉइन खरीद लिया है। देखा जाए तो 77,000 बिटकॉइन उन्होंने खरीदा है। अब यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज है क्योंकि अगर बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा तो बाकी सारे ऑल्टकॉइन उसका पीछा करते करते वो भी ऑटोमेटिक ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर जो मार्केट इतना गिरा हुआ है आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि जून का महीना बिटकॉइन के लिए काफी अच्छा होने वाला है और जो बाकी सारे ऑल्टकॉइन है उसका भी प्राइस पंप होंगे। तो इसलिए घबराना बंद कीजिए और आप खुश हो जाइए। दोस्तों डिजीबाइट का जो प्राइस है वो फर्स्ट फाइबोनिक पॉइंट से नीचे आ गया है, $0.06 से भी नीचे आ गया है। पर जो लोग सेल करने के बारे में सोच रहे हैं वो लोग रुक जाइए क्योंकि इसका जो मार्केट है वो बुलिश शो हो रहा है। यहाँ पर जो तीनों ऑस्किलेटर है वो बुलिश सिग्नल दे रहे हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर डर के मारे सेल मत कीजिए क्योंकि इसका जो प्राइस है वो आने वाले टाइम में आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। इसलिए आप होल्ड करके रखिए, आपको काफी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। दोस्तों बेल्जियम के सबसे बड़े बैंकों में से एक KBC बैंक ने आज अनाउंस किया है कि वो अपना खुद का एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन ये कॉइन आम जनता के लिए नहीं होगा, ये कॉइन उनके लिए होगा जो KBC बैंक के यूजर है। लेकिन अभी इसका जो है वो टेस्टिंग में चल रहा है, हो सकता है फ्यूचर में ये आम जनता भी इसको खरीद पाए। दोस्तों आज इस महीने का पहला हफ्ता शुरू हो रहा है तो आज इस हफ्ते के लिए मैं आपको 3 कॉइन बताने वाला हूँ जिसमें आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों पहला कॉइन है हमारा फेच, FET जिसका शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि फेच इस हफ्ते कुछ अनाउंस करने वाला है और वो अपने ट्रांजेक्शन लिमिट को भी बढ़ाने वाला है, तो हो सकता है जो फेच का जो प्राइस है वो बढ़ जाए इस बार, इसलिए अगर आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों जो दूसरा कॉइन है वो है डस्क नेटवर्क, DUS जिसका शॉर्ट फॉर्म है। ये सब कॉइन आपको वजीरेक्स में देखने को मिल जाएगा, आप जाके सर्च कर सकते हैं। दोस्तों डस्क नेटवर्क का भी इस हफ्ते कुछ प्रोग्राम होने वाला है जो कि 1 जून को होगा, तो इसका जो प्राइस है वो भी बढ़ सकता है, तो आप चाहें तो इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों जो हमारा तीसरा कॉइन है वो है आर्गॉन, ARGON आर्गॉन। हालांकि ये आपको वजीरेक्स में नहीं मिलेगा, आप चाहें तो इसको बाइनेंस या फिर ट्रस्ट वॉलेट में सर्च कर सकते हैं। दोस्तों आर्गॉन 1 जून को फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला है, तो हो सकता है इसका जो प्राइस है वो भी बढ़े कुछ, तो आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये आपको वजीरेक्स में नहीं मिलेगा, मैंने आपको बताया, आप चाहें तो इसको ट्रस्ट वॉलेट या फिर आप बाइनेंस में भी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों आज पॉलीगॉन ने NCO नेटवर्क के साथ हाथ मिलाया है, हाँ जिसको आप लोग मैटिक बोलते हैं उसी का नेम है पॉलीगॉन, तो उसने आज हाथ मिलाया है NCO नेटवर्क के साथ। और दोस्तों जो जो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ वो हाथ मिला रहा है और उसका जो प्राइस है वो दिन बर दिन बढ़ते ही जा रहा है, आप लोग देखते होंगे, मैं आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट करते रहता हूँ कि कहाँ पर आपको बाय करना है कहाँ पर सेल करना है। तो मैटिक का जो प्राइस है वो अभी बढ़ते जा रहा है क्योंकि वो बड़े बड़े कंपनियों के साथ हाथ मिला रहा है और जो बहुत सारी कंपनियां हैं वो उसके साथ घुल मिल गई हैं, ऐसे इसी के वजह से इसका जो प्राइस है पॉलीगॉन का वो बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पर मैं अगर प्रिडिक्शन करूँ तो इसका जो प्राइस है वो बहुत ऊपर जा सकता है क्योंकि दोस्तों मैटिक बहुत अच्छा कॉइन है, तो अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए तो आप कर सकते हैं, किया हुआ है तो होल्ड करके रखिए क्योंकि आपको यहाँ पर काफी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे कि कब आपको बाय करना है और कब आपको सेल करना है।
दोस्तों चाइना में फिर से बिटकॉइन की माइनिंग शुरू हो सकती है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि बिटकॉइन की जो माइनिंग है वो रोक दी गई थी चाइना में, और उसी के वजह से बिटकॉइन का जो प्राइस है वो गिर गया था, और उसी के वजह से क्रिप्टो का जो मार्केट है उसमें काफी अच्छा खासा लॉस देखने को मिला, और इसी के वजह से आप सब और मैं अभी काफी ज्यादा लॉस में हूं। लेकिन यहां पर एक खबर आ रही है सियाचिन की तरफ से, कहा जा रहा है कि 2 जून को एक मीटिंग रखी गई है, उसमें बिटकॉइन माइनिंग को लेकर डिस्कस किया जाएगा कि बिटकॉइन माइनिंग का क्या किया जाए, क्या उसको दोबारा से अलाउ कर दिया जाए या फिर उसको अभी बंद ही रखें। लेकिन जो भी खबर आएगा मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं या फिर आप हमारे क्रिप्टो न्यूज वीडियो को फॉलो कीजिए रेगुलर, मैं आपको उसमें भी खबर कर दूंगा। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ खास खबरें, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।